ठीकरी नगर में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें नगर के दो युवकों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हुए। हे रात 10 बजे के लगभग हाईवे के सेगवाल फाटे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने मारुति वैन को जोरदार टक्कर मारी और ट्रक पलटी खा गया। घटना की जानकारी मिलते ही ठीकरी पुलिस मौके पर पहुंची और नगरवासी भी घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को ठीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं एक एक युवक पलटी खाए ट्रक के नीचे दब गया था, जिसका शव देर रात जेसीबी की मदद से निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठीकरी नगर के युवा खजूरी मेले में जाने के लिए निकले थे। रास्ते में बाटला जी ढाबे पर खाने के लिए रुके। खाने के बाद जैसे ही वैन रोड पर आई, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने वैन को टक्कर मारी और ट्रक पलटी खा गया। ठीकरी थाना प्रभारी ओपी चौंगड़े ने बताया कि दुर्घटना में दीपक पिता संतोष उम्र 28 निवासी ठीकरी और शुभम पिता अशोक राठौड़ उम्र 23 की मृत्यु हो गई है। मर्ग कायम कर लिया है, जांच की जा रही है। वही डॉक्टर प्रतीक मालवीय ने बताया कि रात को चार लोगों को लाया गया था जो घायल थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर किया। दो युवकों की मृत्यु हुई है जिनका आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया। वही आज बुधवार को दोनों युवकों की अर्थी में नगर काफी लोग शामिल हुए। इस घटना से नगर का माहौल गमगीन हो गया है। अब तक न्यूज चैनल के लिए ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। हाँ, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास चार लोगों को घायल अवस्था में लाया था और दो लोग, जिसमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। सर घायल घायल में एक है अनुज अनिल, पवन पिता जितेन, रजत पिता सेवक राम, गौरव पिता ओम प्रकाश और एक संजीव पिता शिवचरण है। और जिसमें से दो लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें एक है अपना अशोक पिता, सॉरी शुभम पिता अशोक हैं और एक है दीपक पिता संतोष दसोंदी। चार लोगों को रेफर किया गया इंदौर के लिए। हाँ, इंदौर के लिए, बड़वानी भेजते हैं अपन, इंदौर के लिए रेफर किया गया, जिसमें से दो का पीएम आज हुआ है। सर ये कितने बजे की घटना लगभग? ये लगभग 9:40 के आसपास की घटना है, 9:30 बजे कल। सर किस तरीके से हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, ये तो नहीं पता। सुना है ट्रक में ट्राला जो है, जो कार है वो ट्राले से टक्कर हो गई है, बस इतना पता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रात को करीबन 9:10 बजे सेगवाल फाटे जहाँ पर एक ट्रक और वैन आपस में भिड़ गए थे, जिसमें ठीकरी के दो नवयुवक थे। एक का नाम दीपक पिता संतोष 28 साल का था और एक का नाम है शुभम पिता अशोक राठौर, ये लगभग 22 साल के थे। दोनों ठीकरी के थे। इनकी मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में। अभी पीएम कार्रवाई चल रही है, मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पता है अभी प्राइमरी तौर पे तो जानकारी मिली है कि कहीं मेले में जाने का जानकारी प्राप्त हो रही है और जांच में पता चलेगा कि कहां जा रहे थे।